यो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है मेरा व्लॉग नंबर 52। और हाँ, 52। और ये देखो बाहर की सीनरी। और अभी हम जा रहे हैं पेंट सफारी के लिए। और सामने बैठे हैं पापा और करण, और मेरे साथ बैठे पीछे में मैं, जीत और राजुल्फी। तो हम पाँच जा रहे हैं पेंट सफारी के लिए। और मैं अभी मेरे मुँह से कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं 5-6 महीने हो गए मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया था शूट। अभी सच बात बताऊँ तो मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। इसलिए मैं बाद में माइक ऑडियो से अभी बोल रहा हूँ आपके साथ। और ये हमारे जीतू भाई, देखो। तो गाइस, मैं अभी 5-6 महीने के लिए अंडरग्राउंड चले गया था, आप सबसे डिस्कनेक्ट हो गया था। उम्मीद है अभी वापस मैं ट्रैक पर आ जाऊँगा धीरे धीरे। तो चलो एन्जॉय करते हैं। आने वो डब्बे के हाथ ना लगाए, बहुत हाथ लगाए वो, तो वो सैनिटाइज करने जाते हैं। खाए तो बे चितवन भगा हो, ना छोड़, अरे ओके ना, तो मार ना हो जाए, ये मेरे गले। तो गाइज़, ये है वहाँ पे हो रहा उनका टिकट काउंटर। और हमको अभी पता चलेगा हमारी जिप्सी कौन सी और हमारे साथ रेंजर्स कौन कौन आने वाले हैं। तो गाइज़, अभी पीछे जो मंकी का सीन हुआ, तो वो ग्रेप्स का बॉक्स लेके चले गया था। एक्चुअली हम गाड़ी से सब सामान निकाले फूड का वगैरह, तो वो उसने फूड की थैली में से वो ग्रेप्स का बॉक्स निकाला और चले गया वहाँ पे। और अभी वो मस्त से आराम से वहाँ खा रहा था ग्रेप्स का बॉक्स खोल के। एक्चुअली बहुत सही लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई एनिमल्स रहे तो वो भूखे ना रहे, प्लीज़ उनको। आप भी कोई डॉग्स रहे, बर्ड्स रहे, तो उनको अभी गर्मी है तो पानी दीजिए, खाना दीजिए। हाँ करण, अपनी फोटोग्राफी, हियर इज़ आर फोटोग्राफर एंड व्लॉगर रीयूनाइटेड। हम दोनों हो गए रीयूनाइट वापस आफ्टर बॉम्बे। मुंबई ब्लॉग भी केम हियर। काटो आज, वो खबर है ना, अपोजिट खबर ना, काटो आज, बोला ना, एडिट में सब आ जाएंगे आई थिंक। तो अभी हमारी जिप्सी रेडी है, इनमें से कौन से पता नहीं, पता चलेंगे थोड़ी देर में। तो अभी नेक्स्ट, हाँ ना फोन ना। रुके रेंजर्स के साथ, यहाँ ये एंट्री गेट है और ये करण कर रहा है फोटोग्राफी मेन गेट की। तो so, ये है सिलारी गेट पेंच में। और अभी हम एंटर करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो रश भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मॉर्निंग सफारी में बोल रहे थे जो हमारे साथ है रेंजर्स कि साइटिंग हुई है टाइगर की, तो होपफुली टाइगर देखने को मिले हमें भी। मे भी ऑलमोस्ट 1 साल बाद आ रहे हैं हम पेंच में। इसके पहले ताड़ोबा गए थे लास्ट ईयर भी, मैंने ब्लॉग किया था तो आई थिंक सो। तब गो फ्लेमिंगो रिजॉर्ट में गए थे हम, वहाँ पे स्टे किए थे। अब हो सके तो मैं आई बटन में दे दूँगा उसकी लिंक, वो भी चेक कीजिए, वो बहुत अच्छी है। अभी आज का व्लॉग कंटिन्यू करें।
यहाँ बीच जंगल में रेस्टिंग एरिया है, बीम सेन कैंप करके नाम है जगह का। यहाँ वॉशरूम और फ्रेशन अप हो सकता है, और शेर और टाइगर कभी भी यहीं से आ सकते हैं जीत को खाने। ये एरिया को भीमसेन कुटी बोलते थे, ये इसका मैप है और ये कुछ है इनके मेजरमेंट्स एरिया के। यार इंजर्स के कैंप है वहाँ वॉशरूम से नीचे। अरे यहाँ जीतू भाई टका टक खाते हुए यार शक्कर मिलेगा का नाम ना? चाय का नहीं मेरे चाय है जस्ट डन विद चाय थोड़ी सी बहुत बस। अरे नपट में है भाई, एक फरारी चूड़े का पैकेट दो। थैंक यू। चाय थोड़ी गर्म है, थोड़ी चाय ठंडी करते हुए मेरी जीप जल गई बहुत अच्छी वाली। हाँ मुझसे धुआं निकल रहा है। ये मसाला चाय एज यू कैन सी इन द मिडल ऑफ द जंगल बाकी एनिमल्स भी हम ह्यूमन एनिमल्स के साथ आ जाए पार्टी करने मज़ा आ जाएंगे। राजू को यार पापा ने ऑल टाइम फेवरेट चाय। यहाँ सब चाय वाले हैं, चाय लवर्स। जीतू भाई तो मचान है गाइस। धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। तो गाइस वी आर हेडिंग बैक टू द जिप्सी। हम यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे यहाँ पे। अभी यहाँ पे राइट में सैडल डैम एंड लेफ्ट में बाखरी करके लिखा है यहाँ पे कुछ। अच्छा अभी हम स्टार्ट किए थे 3:00 को, अभी अराउंड 5:15 बजने को आ गए, तो अभी अराउंड मेरे ख्याल से 6:30 तक चलेगी। और ये आज हमारे रेंजर्स थे। भैया आपका नाम? रमेश उइके। आपका भैया? तो हमारे रेंजर्स है साथ में, हमारे साथ जिप्सी में थे। हम अभी ब्रेक ले लिया, अभी चलो अभी वापस कंटिन्यू करेंगे हम हमारे रेंजर्स के साथ जर्नी। अभी 6:30 बज गए हैं, अभी टाइम हो गया था, अराउंड 6:30 तक ही रहती है सफारी। 3 बजे हम गए थे तो ऑलमोस्ट 3:30 चली। अभी हम टाइगर से देख नहीं पाए, तो जो वो भैया है उनने बोले कि उनको टाइगर की साइटिंग हुई है, तो अभी उनसे फ़ोटो लेते हैं। हमारा तो बैड लक रहा, हमको नहीं मिला, हमारी किस्मत नहीं। कैमरा में प्रॉपर आया है टाइगर, वो पूरा 1 घंटे तक वहाँ पे थे। हम लोग जहाँ थे पहले वो पहले वहाँ से चले गए। वहीं पे थे क्या? कितना टाइम? हमने भी टाइगर को 2 बार देखा, शुरू में भी हमने देखे तो 2 गाड़ी थी, अभी भी देखे तो बड़ी थोड़ी गाड़ी थी। हमारा टाइमिंग बिल्कुल मैच हुआ है। हम गए तो 5 मिनट बोले, 5 मिनट पहले जस्ट आप
गए तब भी थोड़ा बहुत है। तो गाइस अभी मेनली बेसिकली तो अभी टाइगर नहीं मिला जो देखने आए थे, पर सीनरी एज इन वाइज भी बहुत सही थी। हम बहुत सारे ऐसे क्लिप मिले, सीनरीज थी, लेक्स व्यूज थे, वो भी एंजॉय किए। तो मेन मोटिव अगर टाइगर देखने का ना रहे तो बेसिकली दो टाइप के रहते हैं। एक टाइगर देखने के लिए आते हैं मोस्टली, क्रेज़ रहता है ऑब्वियसली, काड़ोबा हो गया, जैसे हम आ जाए पेंच आए वो हो गया और बाकी भी हो गया। तो यहाँ पे टोटल ऑफ 23 टाइगर्स है, उसमें से 20% ही थोड़ा इसके लिए खुला है और 80% रिजर्व है उनके लिए। तो 20% में हम आज पूरा घूमे हैं जंगल में, और बाकी भी जो आते वो बेसिकली सीनरी के लिए आते, पीस के लिए आते, जो यहाँ शांति थी यार बहुत सही लगी मेरे को। तो अभी तो मुझे वॉशरूम लगी है, मैं वॉशरूम करके आता हूँ, चलो फटाफट आते हैं। तो गाइज अभी बज रहे 6:30 और यहाँ पे हमारी सफ़री एंड होती है और अभी हम जाएंगे सीधा घर की ओर। तो गाइज और ये जय की बैटिंग चालू है, ये यूट्यूब पे लाइव आ रही है उसकी गेम, और ये उसकी कॉलेज की कंपटीशन है क्रिकेट की, तो इसलिए आज वो आ नहीं पाया। और ये अब हमारी ब्लॉग एंड हो रही है, तो मिलते हैं हमारी